सबसे पहले अपना नाम बताइए। शिखा। शिखा, शिखा मैम आपके लिए क्वेश्चन है कि लड़के ज्यादा सुंदर होते हैं या फिर लड़कियाँ? ऑब्वियसली लड़कियाँ। तुम्हें शर्म है कुछ? लड़कियाँ। अपने आप पर मुझे ही देख लो। क्या बोला तुमने? अपने आप पर मुझे ही देख लो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मैम अगर आपका मुंह धुलवा देना तो नैनो की डिक्की जैसा मुंह निकलेगा। एलेक्सा। क्या हुआ बोल? एलेक्सा मैं सोच रहा हूँ जो लड़की मुझसे शादी करेगी मैं उसको 10 करोड़ अपने गांव का मकान उसके नाम कर दूंगा। औकात है तेरी। कभी 1 लाख भी देखे हैं एक साथ? यार एलेक्सा तुम्हें कुछ पता भी गांव में ये पता नहीं 100 बीघा जमीन पे मेरे बकरे भेड़ बकरियाँ पड़े हुए हैं। अबे खच्चर कौन सा गाँव ये? मैं जो लड़की ये मीम सभी नेपाली भाइयों के लिए है। क्या कहते पानी खाऊ से पानी खाऊ पानी खा लो नहीं तात पानी खाओ माया से पुती खाओ भूला कुछ और मतलब निकल गया। नहीं जब मुझसे पूछते हैं ना लोग कि आप सोशल मीडिया पे ऐसा क्या करते हो कि लोग आपको फॉलो करते हैं, बस मैं यही कहूंगी कि जिस मतलब लोगों को ना खुशी बहुत कम मिलती है ना, कि सबकी लाइफ में खुशियां बहुत कम है। अगर वो हमारी 15 या 20 सेकंड की रील देख के एक उनके फेस पे स्माइल आती है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 15 या 20 सेकंड की नहीं थी, 13 मिनट 27 सेकंड की थी। पिंक बेडशीट। नहीं, बहुत खुशी हुई थी देख, बहुत खुशी हुई थी, न जाने कहां से आंसू आए थे। इंस्टाग्राम पे आ जाओ दे दूंगा। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। लड़के ने लड़की की आगे से ली, पीछे से ली, झुक कर ली, ले कर ली, तो लड़के ने लड़की की क्या ली? कौन है वो जिसने लंडो को मुट्ठी मारने का मजबूर कर रखा है? हम। तेरी गांड मारुआ बना के घोड़ी और ऊपर से हंस रही बहन की लोड़ी। नेपाल धारा। हाँ वो मतलब तुम्हारा गुज कर थी। हाँ ये बहुत उससे भी लंबा है। ये तो रॉकेट लग रहा है ना? रॉकेट नहीं, ये मतलब इधर का गुज खलीफा है। गुज खलीफा। वाह अच्छा ये अच्छा ये नेपाल का गुज खलीफा है। कितने फ्लोर्स हैं इसके? इसमें मिनिमम 1200 समथिंग आई थिंक। 1200 इतनी तो इसकी भी नहीं है। 1200 रूम होंगे शायद, इसलिए बोल रहा है। हाँ मे बी। नहीं रूम नहीं है वो, बस एक मतलब टावर टाइप का है, उसके ऊपर जाते सब लोग। तो कितना पुराना है? 1200 मतलब एक अर्थक्वेक की वजह से पहले 11 थे ना, मतलब पहले 11 फ्लोर का था ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। और भी की वजह से वो गिर गया और फिर से नया वाला 9th floor। कब आया था अर्थक्वेक? 2072 में। 2072 बैसाख 12 गते, यानी आज से 7 साल पहले। 7 साल हो रहा? हाँ ऐसे ही कुछ। हुक लगा उतारे वो और पहनाए हम। अच्छा तेरी उम्र हो गई उतारने वाली? एक बार टेस्ट करके देख। हाथ लगा तो गीला हो जाएगा। उसी के लिए तो वो चारों खड़े हैं वहाँ पे। ये मेरा लाडला बेटा आशु है। आपने तो बोला था ये बीमार है, लेकिन ये तो दरअसल मैं तुम्हें उस समय ठीक से बता नहीं पाया था। आशु भले ही 22 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी ये दिमाग से 2 साल का ही है। A few moments later. अच्छा बेटा इनसे मिलो, ये है तुम्हारी नई माँ। तुम लोग बातें करो, मेरा एक फोन आ रहा है ना। दूध पीने हरामी हो।
मेरे बिस्तर को देखो कितना खामोश है, शोर करे। हमने पहलू गई थी, चिल्लाओ हमने कहा ये, हमने मना करी थी और पहलू समझाया था हमने कि जिवाले शोर की बात नहीं कर रही, वो भाई वाले शोर की बात कर रही। ऐसी बात है? हाँ। तो हम दो लाइनें बोलेंगे आज। बोलो दो लाइनें। कि गुलाब तो यूं ही बदनाम है, खुशबू तो जिस्म में होती है। वाह। गुलाब तो यूं ही बदनाम है, खुशबू तो जिस्म में होती है। और नौक्सी जी, गुलाब शोर में नहीं खामोशी में होती है। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय।